संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की जयंती मनाने के लिए जब रेड़ा विधायक देशराज कंडवाल व उनके पत्नी के नेतृत्व में 5 दिन की तीर्थ यात्रा पर उनकी जन्मस्थली काशी बनारस के लिए 21 लोगों का एक जत्था रवाना हुआ, जहां सब अनुयायी के साथ मिलकर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास की जयंती को मनाएंगे। इस दौरान उनके साथ वैजंती माला कर्णवाल, चमेली देवी, शीतल देवी, हेमराज चौधरी, ब्रिज मोहन सिंह, गुरमीत सिंह, बेबी हुकम चंद, गायत्री देवी, सीता देवी, बबली देवी, सोनिया देवी, रेशमा देवी के साथ अन्य लोग भी जत्थे में शामिल रहे। रिपोर्ट मीरा कटारिया। इच्छा थी बनारस जाने की और ये शुभ अवसर है, वहाँ भव्य प्रोग्राम होता है गुरु रविदास जी की जयंती पर, बहुत भव्य यात्रा निकलती है, तो इच्छा थी उस भव्य यात्रा को देखने की। कई लाखों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, तो बस यही एक मनोकामना थी कि गुरु रविदास जी की जयंती पर हम बनारस जाएं, वहाँ उस भव्य यात्रा के दर्शन करें, सद्गुरु के दर्शन करें और अपने माँ बाप को भी वहाँ की यात्रा कराएं। मैडम कितने? मैं पहली बार संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का जन्म स्थान काशी, मैं पहले कभी वहाँ पर जयंती मनाने नहीं गया। इस बार विधानसभा झबरेड़ा से 21 लोगों के साथ हम जयंती मनाने के लिए काशी बनारस जा रहे हैं और 5 दिन की ये यात्रा है। मैं इस शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संतों के शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंश। जब आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मैंने नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा, आज देश की सरकार के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के जो सपने थे वो साकार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज़।